वो जवान तरीन इमाम के जो शहादत की मंजिल पर फायज हुए, 25 साल के सिन में इमाम की शहादत हुई है, और 10 रजब उल मुरजब सन 195 हिजरी मौला की विलादत है, 29 ज़िलकादत उल हराम सन 220 हिजरी 220, तो 195 हिजरी से 220 हिजरी तक इमाम की ज़ाहरी हयात है, 220 हिजरी में इमाम की शहादत है। सूरह मरियम से हमने बात का आगाज़ किया है, आयत नंबर 63 इरशाद अक़दस इलाही है कि तिलकल जन्नतुल्लती नूरिथु मिन इबादिना, हम ये जो जन्नत है उसे विरासत में देंगे अपने खास बंदों को, मिन इबादिना हमारे बंदों में से बास को, सबको नहीं, जन्नत विरासत में मिलेगी खास उन बंदों को, मनकाना तकिया के जो तकी हैं यानी जो मुत्तकी हैं। तकी कहते हैं, एक मरतबा होता है कि तकवा इंसान तकवा के रास्ते पर होता है उसे कहते हैं मुत्तकी, एक मरतबा होता है जिसका पूरा वजूद ही ऐने तकवा हो उसे कहते हैं तकी। तो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के जिनकी जिंदगी का लम्हा ब लम्हा तकवा से आरास्ता है, इमाम का एक लकब और है जवाद, आप जानते हैं ईरान और इराक में मामूलन इमाम को इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के नाम से ताबीर किया जाता है। इमाम का जो लकब जवाद है, जवाद लकब है सखी नहीं, इमाम का लकब याद कीजिएगा, इमाम का लकब जवाद है। जवाद और सखी में बहुत सारे फर्क हैं, उसमें से एक फर्क यह है कि असखी युति अल इस्तेहकाक, जवाद युति बिला इस्तेहकाक, सखी जो अता करता है वो किसी को मुस्तहिक देखकर अता करता है, जवाब वो है कि जो इस्तेहकाक के बगैर अता करता है, वो ये चेक नहीं करता कि इसका इस्तेहकाक है या नहीं है। जवाब जो है वो जूर जो है वो सखावत से बड़ी एक कैफियत है। बात बाजी हो रही है आपसे कि आपके पास कोई शख्स आया और आपने कहा कि डिजर्विंग उसे दे दीजिए, तो यह सखावत, लेकिन कभी कोई ऐसी कैफियत है कि यह देखा ही नहीं कि डिजर्विंग था या नहीं था, बस अता कर दिया। इसीलिए अल्लाह सुबहान व तआला को सखी नहीं कहा जाता, अल्लाह का इस्म है जवाद, जवादुन करीम। बात बाजी हो रही है, तो अल्लाह ताला के नामों में आपको सखी नहीं मिलेगा, अल्लाह ताला के नामों का आपको जवाब मिलेगा। अल्लाह ताला इस्तेहकाक देख के नहीं देता, इस्तेहकाक तो हमारा है ही नहीं, हमारा तो वजूद ही का इस्तेहकाक नहीं है, हमारे तो सांसों ही का इस्तेहकाक नहीं है, हमारे तो अपने जिस्म ही का इस्तेहकाक नहीं है। जो एक दुआ में इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार तूने तो मेरी खिलकत का आगाज ही इस तरह से किया कि बगैर इस्तेहकाक के ही सब कुछ अता कर दिया, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं था ना, फिर जीरो से स्टार्ट हुआ, अभी कुछ भी नहीं था तो अल्लाह सुभान व तआला ने सारी नेमतें अता फरमा दी। तो अल्लाह सुभान व तआला जवाद है, वो सखी नहीं है। तो जवाद वो होता है कि जो बगैर इस्तेहकाक के अता करे। इसमें हो सकता है आज मैं थोड़ी सी बात करूं, लेकिन मैं फकत इशारतन अर्ज कर दूं, अतः इमाम इस्लाम ने बगैर इस्तेहकाक के ऐसे अता फरमाया कि जब मामून ने भी, मामून रशीद जो खुद इमाम के बाबा का कातिल है, जब मामून ने भी इमाम से यह कहा कि फर्जंद रसूल मुझे बास हुकूमतों से खतरा है और कहीं ऐसा ना हो वहां से लश्कर कशी हो जाए, तो मुझे कोई दुआ कोई तावीज इनायत फरमा दीजिए, उस वक्त इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने हिर्ज जवाद उसे इनायत किया। ये जो हिर्ज जवाद जो आइम्मा अलैहिस्सलाम के से मंसूब जितने भी तावीज हैं, तावीज या हिर्ज मंसूब के अमीरुल मोमिनीन है, हिर्ज ज़े फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ हिर्ज वारिद हुए, लेकिन जो मशहूर तरीन हिर्ज है वो हिर्ज जवाद है। और आपको कई उलमा के फकत रिटन नहीं बल्कि क्लिप्स मिल जाएंगे आपको बुजुर्ग उलमाए कराम के इस वक्त इंटरनेट पर, मसलन इंक्लूडिंग आयतुल्लाह बेहजत, उनके क्लिप मिल जाएंगे, बहुत सारी बातें उनके नाम से मारूफ हो जाती हैं लेकिन आपको किसी किताब में नहीं मिलती, लेकिन उनके क्लिप बाकायदा मौजूद जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं। कम से कम दो क्लिप तो मैंने खुद देखे कि एक उनसे सवाल किया गया कि आगा मुश्किल ये है कि फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा आपस में इख्तलाफ है, जब हमारी शादी हुई थी, वो शायद खुद सवाल कर रहे हैं जो उस मुश्किल में है कि हमारी शादी हुई थी तो कुछ साल बहुत अच्छे गुजरे हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जाकर बहुत ज्यादा आपस में तलखियां हैं हमारी, तो कुछ वजीफा इनायत फरमाइए। तो उसमें उन्होंने तीन बातें कही, कहा इस नीयत से मुअव्वज़तैन पढ़ के सो, मुअव्वज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास, जो खुद ये दोनों सूरह तावीज की सूरत में रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुए थे, ताकि तुम जादू और सहर से महफूज रह सको, मुअव्वज़तैन पढ़ के सो, इसी नीयत से सदका दो, दूसरी बात, और तीसरा फरमाया कि हिर्ज इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को बाजू पे बांधो। और बाज जगहों पर हमने इसे पढ़ा है कि इस हिर्ज को आप अपने साथ रखिए तब भी इसका असर है अच्छा, लेकिन बाजू पर बांधने की एक अलग खास कैफियत है, उसका एक और अलग असर है। अच्छा, हिर्ज इमाम जवाद अलैहिस्सलाम आप खुद भी लिख सकते हैं, आपको मिलेगा कहां, ये आपको मफातिल जनान में बाकियात सालिहात, एक तो मफातिल जनान की जो असल फहरिस्त है, उसके बाद बाकियात सालिहात के जो फुटनोट से आशी है
उनमें आपको हिर्ज़े इमाम जमात इस्लाम मिल जाएगा। अलबत्ता वो एक मुख्तसर लिखा हुआ है, सैयद इब्ने ताऊस ने अपनी किताब में तवील हिर्ज़े जमात को भी लिखा है, कोई वहां तक पहुंच सके और उसे हासिल कर सके तो क्या ही कहना, लेकिन फकत जो मफातिल जनान में लिखा हुआ है वो भी अगर हासिल कर लिया जाए, मैं आपकी खिदमत में वो पढ़ के भी सुना देता हूं, बहुत ही खूबसूरत है कि या नूर या बुरहान, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कलाम है कि या नूर या बुरहान। बाय द वे इमाम जवाद अल इस्लाम की ज़ियारत में कि अस्सलाम अलैक या नूर अल्लाह फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, बार बार हो रही, जब जमीन में हर तरफ जुलमते ही जुलमते हों तो ए अल्लाह के नूर इमाम मोहम्मद तकी आप पर हमारा सलाम। यानी इमाम तकी अलैहिस्सलाम से वो जो रोशनी है नूर हिदायत की वो उस वक्त भी मिल रही थी और आज तक मिलती रहेगी, इसलिए कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का वजूद अथर ना होता, मैं फर्ज की सूरत में कह रहा हूं कि अगर ना होता तो शियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला हल ना हो पाता कि जो वजूद इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के जरिए से हल हुआ है, बाकी शायद किसी और इमाम के जरिए से मसला हल ना हो पाता। अगर इशारा मिला, मुझे वक्त मिला तो मैं आगे आपकी खिदमत में इशारा करूंगा। देखिए अब बात से बात निकलती चली जा रही, तो एक सी बात है, मैं वैसे ही नहीं है कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम रजा अलैहिस्सलाम 47 ईयर्स के थे, उनका कोई औलाद नहीं थी, और शियों के दरमियान बहुत सख्त गुमराही का दौर फैला हुआ था। जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा सलावत भेजते हुए आगे आ जाइएगा, मोमिनीन आ रहे, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद, तीसरी सलावत भी एक मिलके भेजते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने वैसे ही नहीं फरमाया था कि अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा अता करेगा कि लम यूलद मौलूदुन अअज़म बरकतन मिन्हु लिशियतिना, हमारे शियों के लिए इससे ज्यादा बाबरकत मौलूद को दुनिया में आया ही नहीं है। ये कलाम इमाम है, फकत शायरी नहीं है, यहां पर फकत जोश खिताबत नहीं है, यहां पर तो कोई ना कोई वजह है कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की बरकत सबसे ज्यादा है, और इसी खातिर है कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से आप अपने रिस्क के लिए मांगे, औलाद के लिए मांगे, नए घर के लिए मांगे, सवारी के लिए मांगे और इस दवाज के लिए खास तौर पर ताकीद है कि इमाम जवाद के वसीले से दुआ मांगी जाए।